अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। देश विदेश राजनीति खेल जगत और क्षेत्र की बड़ी खबर देखिए मॉर्निंग सुपर फाइव। इटली के लिए विनाशक बना कोरोना वायरस, एक दिन के अंदर 49 लोगों की मौत। इटली में कोरोना वायरस से शुक्रवार को 49 और लोगों की मौत हो गई। चीन के वुहान से शुरू हुआ ये संक्रमण अब तक 90 देशों में फैल चुका है। यहाँ एक दिन में कोरोना से मरने वालों की सबसे ज्यादा संख्या है। इटली में पिछले 2 हफ्तों में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 197 हो गई है। बिहार में भीषण सड़क हादसा, स्कॉर्पियो ट्रैक्टर की टक्कर में 11 लोगों की मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए हैं। हादसा मुजफ्फरपुर के कांजी प्रखंड में हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो के परकच्चे उड़ गए। बता दें स्कॉर्पियो NH28 पर जा रही थी तभी ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। आज उद्धव ठाकरे का अयोध्या दौरा, बड़ी संख्या में रामनगरी पहुंचे शिवसैनिक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज अयोध्या के दौरे पर जा रहे हैं। ये दौरा पदभार संभालने के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। उद्धव आज दोपहर को रामलला के दर्शन करेंगे। रामलला के दर्शन के बाद उनका सरयू नदी के किनारे होने वाली आरती में शामिल होने का कार्यक्रम था, लेकिन वह ना तो सरयू नदी की आरती करेंगे ना ही किसी प्रकार की जनसभा होगी। लखनऊ, वाराणसी और हाथरस में सामने आए कोरोना के नए संदिग्ध, अस्पताल में भर्ती। शुक्रवार को यूपी से कोरोना के 3 और संदिग्ध मामले सामने आए। यूपी के लखनऊ, वाराणसी और हाथरस में एक एक मरीज सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस के लक्षण के 12 मरीज राजस्थान के अस्पतालों में भर्ती किए गए। वहीं वाराणसी के BHU के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में कोरोना पीड़ित एक विदेशी संदिग्ध महिला भर्ती कराई गई। सर्दी जुकाम की शिकायत पर महिला को एहतियातन आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। पुलिस की रडार पर ताहिर हुसैन के 4 मददगार, होगी पूछताछ। दिल्ली हिंसा के मामले में ताहिर हुसैन को शुक्रवार को कंकड़ डूमा कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इसी बीच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का कहना है कि मुस्तफाबाद में 4 लोगों ने ताहिर हुसैन की मदद की थी। जब गिरफ्तारी के लिए छापेमारी होने लगी तो वो मुस्तफाबाद से निकल गया और जाकिर नगर में जाकर किसी जानकार के यहाँ छिप गया। मॉर्निंग सुपर 5 में बस इतना ही, तब तक देखते रहिए फुल फाइट टीवी।